एक्स 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 HD मूवीज खटाक से आया, उंगली से ढूंढने लगा कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है, उस पर क्लिक किया, अब देख रहा है। जब उसके माता पिता सो जाते हैं तो रात में देखता है, गुप्त में देखता है कि कहीं उसे देख न ले, और ऊपर से परमेश्वर क्या कहता है कि देख ले बेटा देख ले, क्योंकि जब तू ऊपर आएगा तब तुझको बताऊंगा कि सेक्स वीडियो क्या होता है और लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। देखिए आप लोग जिस प्रकार अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपको मसीह विरोधी के दिन में आपको आग में नंगा ही डालेगा, तब आपके दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी। अरे परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए, उसने अपने पापों के लिए उसने अपना कीमती रक्त बहाया, अरे कब सुधरोगे भाई, अभी आपके पास मौका है। यीशु आज और अभी आ जाए तो आपके अंदर ऐसा कुछ है जो यीशु के साथ स्वर्ग जा पाओगे? अरे परमेश्वर आप जान निकाल लेगा उस अनंत काल की आग में। अभी तो बहुत मजा आ रहा है सेक्स वीडियो देखने में और लड़कियों को पटाने में, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता रहता है। आप चाहे जहाँ छिपकर पाप करो, यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय के 21 और 22 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। इस वचन को पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता रहता है, चाहे जहाँ छिपकर पाप करो परमेश्वर सबको देखता है। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पौलुस ने अपनी पत्र में साफ कहा था मेरे प्रियो कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ स्थिर रह सको, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। इसलिए तुम उस दुष्ट की जलती हुई तीरों को बुझा सको वचन से, और उद्धार का टोपर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, उस दुष्ट का सामना कर सको। मगर आज मेरे मसीह भाई बहन वचन तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि वचन तो उन्हें मालूम होता ही नहीं है, क्योंकि वह बाइबल तो पढ़ते नहीं है। सुबह शाम अपने मोबाइल में अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से हेलो बाय नमस्ते करते रहते हैं, क्योंकि जब एक मसीही यीशु मसीह के वचन पर चलने लगता है तो शैतान हर एक मसीही के पास जाता है पाप में गिराने के लिए, और वह मसीही बड़े आराम से पाप में गिर जाता है और स्वामी का सिर लज्जित कर देते हैं और शैतान को बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान को वचन से हरा सको। जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया तो यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था। जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया तो शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। तब यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था कि लिखा है कि हर एक मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो से उसके मुख से निकलता है। यीशु ने शैतान से कोई लड़ाई नहीं की बल्कि उसे वचन से ही हराया। मगर आज मसीहियों के पास शैतान जब पाप में गिराने के लिए जाता है, वीडियो को ध्यान से देखें मेरे प्रियो, तो तुम शैतान से यह नहीं कह पाओगे कि यह लिखा है वो लिखा है या वो लिखा है, और बड़े आराम से पाप कर दोगे। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो मेरे भाइयों और बहनों की तुम शैतान को बड़े आराम से वचन से हरा सको। मरकुस 9 अध्याय के 43 वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, डुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और न आग बुझती है। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तुम नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और आग नहीं बुझती है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। परमेश्वर का वचन एक जैसा है,
सबके लिए है, चाहे वह मसीह पर विश्वास करता हो चाहे वह अन्य जाति है। वचन एक सा है और एक सभी के लिए एक जैसा है। गलातियों 5:19 में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोड़ना, बैर, झगड़ा, इसरा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पौलुस यहाँ अपने पत्र में साफ कह रहा है कि ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले मनुष्य परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, उसी नर की झील में डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपुंजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्तिपुंजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सुधर जाओ मेरे मसीह भाइयों और बहनों, बचा लो अपने आप को नरक के जाने से, उस अनंत काल की आग से। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। संदेश को समझने के लिए आप सभी को जय मसीह की। जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का समाचार फैलाना चाहते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।